सभी का स्वागत है और सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ और दीदी अभी नहाई नहीं है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ और ये कुछ काम नहीं कर रही है, तो सो के उठ गई उठी और नहाई है और अब सीधा खाने पर टूट रही है। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा और अभी जीजू ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बाकी हम सब अब करेंगे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो जो है वो गहरी नींद में सो रही है। तो यहाँ पे देखो छोटी पूजा और छोटी किट्टू बैठी हुई है और ये जीजू ने गिफ्ट दिया था पूजा दीदी को और इसमें देखो दोनों के दोनों सेम लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है किट्टू ही बैठी हुई है लेकिन ये पूजा दीदी है। दीदी की शक्ल शुभम से ही मिल रही है ना, तो ये छोटी मामी का लड़का है ना उससे भी मिल रही है। मामी के बाल स्ट्रेट करते हैं तो चलिए। पूजा दीदी ना घर पे नहीं है, कहीं जा रही है सामान लेने के लिए और मुझे स्ट्रेटनर तो दिखा नहीं लेकिन मेरे को ये कर्लिंग मशीन दिखी, मैं इसी से ही करने लग गई। देखते हो दी। मामी के बाल बिल्कुल स्ट्रेट। अभी दिन का खाना नहीं बना तो चलिए दिन का खाना बनाते पहले और फिर उसके बाद बाकी धीरे धीरे थोड़ी बहुत तैयारी हम साथ साथ करे जा रहे हैं क्योंकि फिर एंड वक्त में वो लेट हो जाता थोड़ा और लड़कियों का तो पता ही है, मतलब चाहे कुछ भी कर लें लेकिन लास्ट में लेट करना ही करना है लड़कियों को, इसलिए हमने सोचा इस बार ही थोड़ा थोड़ा करके कर ही लेते हैं। इसीलिए मैंने मामी की जो प्रेसिंग थी वो पहले ही कर लिया है। वैसे अभी मतलब 3-4 बजे करीब हमें वहाँ जाना है जहाँ पे फंक्शन कर रखा है इन्होंने। अभी बज रहे हैं 12, तो 12 बजे मैंने मामी की प्रेसिंग कर दी है, बाकी अगर ख़राब होगी तो थोड़ी बहुत वहीं पे थोड़ी बहुत बाद में मार। अभी सारा सामान फैला हुआ है क्योंकि बाहर ही रखा हुआ है, सब कुछ अभी चाहिए हमें। मैं बोला हेलो गाइस, बोल दो कितना बोलोगे, नहीं हेलो फ्रेंड्स। दाल बन रही है, थोड़े से आलू मामी अपने लिए बना रही है क्योंकि मामी ने क्या रखे हैं, 9 व्रत रखे हुए हैं नवरात्रे के। और यहाँ पे बन रहे चावल और एक माला भी ले आई माता के लिए। अच्छा, अरे नहा तो लो पहले, अब नहाने चले जाओ फिर क्या, बस नहाने जाओ। तो ये है आर्टिफिशियल नेल्स और ये लगाएंगे हम पूजा दीदी के, और ये है ग्लू उसकी, इससे पेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसे लगते हैं। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है दीदी तो देखते हैं कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे इनकी चल रही है नेल आर्ट, तो इनके नेल्स एक हाथ में लग चुके हैं और एक हाथ में अभी लगाएंगे। कैसे लग रहे हैं? हाँ, किसने लगाए हैं पहले और किसी तो को किसी को कॉन्टेक्ट करना, अरे तो हाँ तो वो कर सकता है भूत में डायन वाले नेल्स। नेल आर्टिस्ट श्वेता थपलियाल बैठी हुई है जो लगा रही है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और बाकी सब चले जा चुके हैं और पूजा दीदी भी बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, 4 बजे हमें पहुंचना था और यहाँ 5:30 हो चुके हैं और दीदी भी अभी 5 मिनट हुए निकले हुए, तो वो हमने बोला आप लोग जल्दी जाओ क्योंकि उन्हीं का है तो ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। और मामी और मैं यहीं पे हैं, बाकी मामी और मैं भी जा रहे हैं, सब पहुंच चुके हैं लेकिन हम लोग घर में ही रह गए थे और हम सबसे लेट हुए हैं, मतलब तैयार हो चुके थे लेकिन दीदी को कर रहे थे, दीदी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है क्योंकि मार्केट वगैरह भी गई थी तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा लेट गई हैं। अब जल्दी से दीदी जाएंगे और किसी को भेजेंगी तब हम जाएंगे, तो चलिए आप लोगों से वहीं पर मिलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, उसी और मामी खड़े हैं, चलते हैं देखते हैं यहाँ का अरेंजमेंट क्या क्या हो रखा है, मिलते हैं सबसे और आप लोगों को भी मिलवाते हैं मेरी मामी की साइड वाली फैमिली से। अयगिरि नंदिनी नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी।
रम्य कपर्दिनी शैल सुते शूरवर वर्षिणी दूरधर धर्षिणी दूर्मुखमर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिषमोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणी दिति सुत रोषिणी दुर्मध शोषिणी ओम जय जय स्वाहा नमः ओम वृद्धि सिद्धि भ्यो नमः ओम शुभ लाभ भ्यो नमः आगे जो तो आज हमारे में ये है बबीता बोल रही हूं और ये उनकी बेटी ओम शाम देखा भ्यो नमः ओम बाकी यहां पे बिना मोर की मामी सब मामी वगैरह वो सब बैठे हुए हैं और ये किट्टू घूम रही है ओम पिसल देखो पिसल देखो पिसल देखो भ्यो नमः Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Om Jati Mangala Kali Bhadra Kali Kapali Durga Shiva Shabha Bhakti Swaha Swaha Bhavate भाई मेरी सुतियां जोता वाली माता तेरी सदा ही रे गुले गुले दशोते वाली माता तेरी सदा ही रे मां के रंग सुख जोत के दर्शन कीजिए इसी में से मां की जोत पर जो ये सासी जोगों वाली इसे कहा जाता है क्योंकि मां की सदी लग जाती मां स्वयं जानना होतियां सदैव अपनी कृपा बनाए के बहुत सत्य भारी है धंधे वाली का बहुत सच्चे दरबार की है माँ आपके घर में प्रधानी है सबसे पहले गुरुदाजी साहब क्या दिया ये माशा है और यहाँ पे मामी अपने रावत पर
नतन पे है
कह दो तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो के मिलने सखा बदल समा
नवरात्रों के दिनों में माँ के चरणों में सब इकट्ठा हुए हैं माँ का।